अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मर्केंटलिज्म के बारे में बताऊंगा, जो इंटरनेशनल ट्रेड की एक क्लासिकल थ्योरी है। ये थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि किसी भी मुल्क की तरक्की का पैमाना उस मुल्क के पास मौजूद प्रीशियस मेटल यानी गोल्ड और सिल्वर है। जिस मुल्क के पास जितने ज़्यादा ये प्रीशियस मेटल होंगे, वो उतना ही डेवलप्ड और प्रॉस्पेरस कंसिडर किया जाएगा। ये थ्योरी फर्दर सजेस्ट करती है कि इम्पोर्ट के बदले एक मुल्क जो है वो प्रीशियस मेटल पे करता है और एक्सपोर्ट के बदले वो प्रीशियस मेटल रिसीव करता है। तो अगर किसी मुल्क के इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये कि प्रीशियस मेटल की जो आउटफ्लो है वो भी ज़्यादा है, और अगर किसी मुल्क के एक्सपोर्ट्स कम हो तो इसका मतलब ये कि प्रीशियस मेटल की जो इनफ्लो है वो भी कम है। इसलिए ये थ्योरी इस बात पर स्ट्रेस करती है कि हर मुल्क को अपने इम्पोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट करने चाहिए और अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने चाहिए, ताकि प्रीशियस मेटल की इनफ्लो ज़्यादा से ज़्यादा हो और आउटफ्लो कम से कम हो। इस थ्योरी के कुछ प्रिंसिपल है। फॉर एग्जांपल, ये थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि हर मुल्क को अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस रखना चाहिए, यानी अपने इंपोर्ट्स कम से कम रखने चाहिए और अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए, ताकि प्रीशियस मेटल की इनफ्लो ज़्यादा से ज़्यादा हो और आउटफ्लो कम से कम हो। इस थ्योरी का जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है एक्यूमुलेशन ऑफ प्रीशियस मेटल। चूँकि ये थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि किसी भी मुल्क की तरक्की का पैमाना उस मुल्क के पास मौजूद प्रीशियस मेटल यानी गोल्ड और सिल्वर वगैरह है, तो इसलिए ये थ्योरी इस बात पर स्ट्रेस करती है कि हर मुल्क को प्रीशियस मेटल का वफर ज़खीरा जमा करना चाहिए, ताकि इसकी डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी में वक्त के साथ साथ इजाफा हो। और इसके लिए वही पॉलिसी है कि इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। ठीक है, इसका जो थर्ड प्रिंसिपल है वो ये है कि ये गवर्नमेंट की इंटरवेंशन पर जोर देता है, कि गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए इकोनॉमी में और अपनी इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए थ्रू वेरियस मेजर लाइक कोटा, सेंक्शन, एम्बार्गोस, या मतलब हेवी इंपोर्ट ड्यूटीज। इस तरह करने से न सिर्फ उस मुल्क की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, बल्कि इसी तरह जो इंपोर्ट्स है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगी और प्रीशियस मेटल का ज़्यादा ज़खीरा इस मुल्क के पास आएगा। तो उम्मीद है आप इस थ्योरी को समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।